तो भाई यार तबीयत थोड़ी सही है और मौसम है बारिश वाला बदली है, लेकिन जा रहे हैं पतंग तय है एक जगह, तो चल के वहाँ से पतंगबाजी करेंगे। लेकिन आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग मौज मस्ती कर रहे थे चचा के साथ में काशी भाई के फ्लैट पे, तो मेरा पतंग का बैग वैग है वो उन्हीं के फ्लैट पर रखा, तो पहले वहाँ से अपना सामान उठाएँगे और फिर निकलते हैं पतंगबाजी के लिए। बस बारिश ना हो आज के दिन, वरना फिर पूरा ब्लॉग भी बेकार हो जाएगा, घर ही पे बैठे रहना पड़ेगा। सलमान भाई के फ्लाइट पे पहुँच गए हैं और इनके यहाँ लिफ्ट नहीं चलती भाई, 5 मंजिल है तो चढ़ के जाने में कितना भी फिटनेस वाला आदमी हो थक जाता है। और काशी भाई कैसे सामान जल्दी से उठा लिया भाई, उनको भी बड़ी जल्दी थी तो वहाँ की वीडियो नहीं बना पाए। अब छत पे चल रहे हैं और देखते हैं छत के ऊपर कौन कौन है जो यहाँ पे पतंगबाजी करने आया है। ये देखिए बहुत तेज़ हवा, वालेकुम सलाम। बारिश का मौसम, छत पे अभी पानी भरा है, वाइपर चल रहा है भाई, सूता जा रहा है बंद करा सिस्टम, जल्दी चले आए, छोड़ दी आधी एडिटिंग। इतने दिन से लड़ाई कहाँ पा रहे थे, लगाओ भैया लगाओ वाइपर। तो मौसम ऐसे ही रहे जैसा अभी है, वरना फिर आज भी शौक नहीं हो पाएगा। बढ़िया पतंगबाजी का शौक हो रहा है, इधर गोल्डन टी के सारे मेंबर हैं, डंपी भाई लड़ा रहे हैं, ये हमारे सचिन भाई हैं, काट नहीं पा रहे हैं, देखिए खुद पलट के देख लिया इन्होंने हमने नाम भी नहीं लिया कि ये सचिन है। ओ माय गॉड, पीछे भाग रहे थे हाथों में पाउडर लगा के, सलमान भाई कट गए, ये आरिफ भाई, इनकी डोर जब ख़त्म होने वाली है तब ये काटना शुरू करा इन्होंने। ये है सचिन, लप्पू सा सचिन है, बोलना इसे आवे ना। ये है कलीम भाई, ये सारे मेंबर हैं। एक अड्डू भाई है वो चले गए अभी नीचे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए, और बहुत बढ़िया शौक हो रहा है आज, बारिश भी नहीं हुई, मौसम भी बहुत बढ़िया रहा आज। जी क्या कहना है, तो भाई पतंगबाजी ख़त्म हो गई, अंधेरा हो गया, बहुत बढ़िया पेड़ लड़ाई, सलमान भाई ने 1-7 काटा, 1-6 काटे हैं, जेबू भाई ने कुछ नहीं काटा, इन्होंने भी कुछ नहीं काटा, कलीम ने भी कुछ नहीं काटा, और ये बच्चों को आगे अंधेरे में काट रहे हैं बच्चों को, ये देखिए कैसे थपक रहे बच्चों को काट रहे हैं अंधेरे में। हमारी भाई साफ सफाई कर रहे हैं, 1 किलो मुर्गा, बाप रे वाह, 1 किलो मुर्गा तो हमने आज तक दुकान पे नहीं देखा कभी। चलो भाई हम यहाँ से नीचे उतरते हो, चाय वाय पीते हैं। सिगरेट क्या चाहिए, सिग्नेचर भाई। पतंगबाजी के बाद सब लोग चाय पीते हुए, बहुत से मेंबर चले गए हैं, आज जेबू भाई ने हमारे साथ काटा है तो साथ ही खुशी में चाय पिला रहा सबको। पसीना देखिए, पसीना बहुत निकल रहा है, गर्म बहुत ही, और अभी मुर्गा खिलाएंगे, 7 काटे, 1 हमको भी काटा, 1 हमको काटा तो उसके बदले हमने चाय पिलाई है, और जेबू भाई ने 7 काटे उसके बदले मुर्गा खिलाएंगे सबको, तो अभी हम लोग मुर्गा खाने चलेंगे हैदरगंज चौराहे। भाई अपना बैग हमने कार के नीचे छुपा दिया है सलमान भाई के फ्लैट पे, और अब हम जेबू भाई और सलमान भाई 4 लोग निकल रहे हैं ऐशबाग की तरफ, एक और जीशान भाई, हम नहीं कोई और है, वहाँ चल के बिरयानी खाएंगे। भाई इधर खड़ा है, कुछ बताओगे उसको क्या बना है, वो मुर्गा बोल दिया है जीशान भाई, मुर्गा मुर्गा खाएंगे सब भाई। हम लोग बुला के अड्डे की तरफ आए हैं और ऑर्डर दे दिया है, बहुत बढ़िया बनाते हैं मुर्गा, तो रोस्टेड मुर्गा काटने जा रहे हैं 1/2 किलो। हाँ भैया कलीम बैठो, तुम ना गर्म हो, आओ। कब से लगा रहे जान भैया, 2-2.5 साल हो गए, पहले हम ये बुला के टेप रहते वहाँ के साथ में। अब तक भाई तैयार कर रहे हैं, अब तक कोल्ड ड्रिंक लेके जाओ, फिर लेके आओ कोल्ड ड्रिंक, चिकन मोहन है, शुरू करिए सलमान भाई।
स्पेशल सर्विस चल रही कलीम भाई पूरी बनाने लग गए। वो अलग भी है, हमको खाली मसाला डाल के लाओ भाई, टेस्ट करके देखते हैं। अभी तो गर्म होगा यार बहुत। नहीं है यार, अभी नींबू नहीं डालोगे क्या बना रहे हो? कैसा है कलीम? कैसा है? कैसा है? शकील के साथ चलना था, हमें पता हो तो हम सब भी करा लेते हैं। हमें घर नहीं मालूम है ना, फोन करके पूछ लेंगे किधर है। तो भाई मुर्गा पार्टी खत्म हो रही है धीरे धीरे। और बोले खाना है? नहीं नहीं बस, और ले लो। नहीं नहीं, घर जाके खाना भी खाना रहता है भाई, घर पर तो यही झूठ बोलता है ना, कुछ नहीं खाया बाहर। कलीम बहुत पूरी खाना है। सलमान भाई खाना और बताओ। हाँ ये कौन सी बोटी देबू भाई खा रहे हैं? शकील भाई के घर की तरफ आए हैं, देबू भाई को चरखी लेनी थी, पतंगा बंडल वेट कर रहे हैं। शकील भाई आजकल जिम लगा रहे हैं, बॉडी आपको दिखाएंगे उनकी, एकदम गजब की बॉडी है, मतलब आप देखेंगे तो देख के डर जाएंगे, जिम लगा के बढ़ रही है और कम हो रही है। तो अभी आने दीजिए, जिम लगा के उनको वेट हो रहा है। देखो भाई भी साथ में, इन्हीं की चरखी है, तो देखते हैं क्या बंडल बनवा के दिया है शकील भाई ने। ये देखिए, और ये शकील भाई हमारे आ गए जिम लगा के। इनकी एक तमन्ना थी भाई, गाली नहीं। हाँ ये देखिए, मैं शकील भाई आ गए, दो सलमान मिल के मारेंगे गद्दा, हम दो सलमान पीछे काटेंगे। हाँ। ज्यादा नहीं, बस 15 दिन के बाद पता है जिम जाने का। ये दो लोग मिल के मारो, नसें टाइट हो रही है। जो है गरजते हैं वो बरसते नहीं है, मोहब्बत वाले कभी नहीं बरसते। अभी इधर करेंगे और तेज हवा आएगी लेके चली जाएगी। बंडल कहाँ है? दो साल का, दोनों लोग आ रहे हैं, बोलते रहो जिम लगा ले फिर आ जाए मेरे पास। ये आप लोगों को बताते हैं झूठे हैं, ये अकेले में हमको फोन करके कहते हैं हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, दिखाइए तो ये कहाँ बैठे जाके दिखाइए। चुप गए, डर के मारे उधर छुपे हुए। और ये हमारे नावेद भाई भी बढ़िया, क्या कर रहे हैं नावेद भाई, क्या बढ़ा रहे, कम कर रहे हैं? नावेद बढ़ा रहे हैं, गाड़ी हो गया 12 किलो वजन बढ़ चुका है, खींचेंगे इनको बाहर, तीसरे में ये जो है झटके मारने लगेंगे, भारी उड़ा के करने मारने लगेंगे। ये बंडल बन गया इनका उस्ताद, इनका क्या बंडल, इनका इनका जेबू भाई का ये। हाँ, इसे मेरा भाई, इसके बन लिखाइए क्या कौन सा बंडल है इनका, कुछ नहीं है ये, लास्ट के बाद लास्ट के बाद इनको देख ले बनवा रहे हो क्या? तो चलिए देखते हैं शकील भाई ने कैसा बंडल जेबू भाई का बनवाया। ये तुम्हारा आइडल है क्या? है लोग हल्का कर रहे हैं, जा रहे हैं, चलिए अल्लाह हाफिज। ये शटर उठाया शकील भाई, अरे पतंग बना रहे क्या शकील भाई? शकील भाई पतंग बना रहा है आजकल, अनीस बनाता है। अच्छा, अनीस भाई यहीं बड़ी बनाते हैं। ये बनाता है, अरे यार भाई खोलो बोलो तो देखेगा, ऐसी डोर बना के दी उस्ताद। हम खोलेंगे बांधेंगे नहीं, फिर बांध के रखना, बांध कलीम देगा। लो ए, बात करो, कदो गाड़ी चला रहा सुरमई तो है, हल्की काली है नहीं चल रहा यार, रंग से फट जाता है, वीडियो में देखो रंग से फट जाता, मसाले से रंग फट जाता है। पठान बहुत बढ़िया डोर बनवा के दी है शकील भाई ने, अब जेबू भाई से काटेंगे भटाभट। अभी हो
और कुछ देखिए, सलमान भाई घुस गए कुछ और ढूंढने के लिए, कुछ मिल जाए इनको। तो भाई घर पहुंच गए, सामान बैठ बैठ जो दाल वाल लेनी थी घर की वो ले आए, और बहुत थक गए लेकिन आज काफ़ी दिन के बाद बहुत बढ़िया शौक हुआ है। और खाना पीना खाते हैं, अब आइसक्रीम तो नहीं खाने को मिलेगी यार अभी, क्योंकि तबीयत एकदम सही नहीं हुई। बाकी और जो कुछ है खाते पीते हैं और लॉक को यहाँ पर फिर हम करेंगे।